TN Live. इसकी क्या क्या खासियत है, हमने जो देखा है वो तो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। दिनों से मन में था, लेकिन कोविड के आने के बाद 2 साल चूंकि घर में बंद हो गए थे, तो लगा कि जेल में बंद नहीं है तो एक किताब ही लिख देते हैं। अनबाउंडेड किताब का टाइटल है और सब टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स विद लॉ, फिजिक्स, पुलिस एंड सुपर 30। बहुत बड़ा आयाम है, कानून से शुरू होकर सुपर 30 तक चला गया है। तो एक जीवन यात्रा थी, प्योरली जीवन यात्रा नहीं है, कई बातें उसमें लिखी गई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है। अब जैसे कई तरह के प्रश्न मन में आते रहे जब तक नौकरी में था, स्टूडेंट था तब भी। एक प्रश्न है, ईमानदार क्यों होना चाहिए? सब लोग बोलते हैं ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? इसका उत्तर हर आदमी नहीं दे पाता है, लेकिन वो जानता है कि ईमानदार होना चाहिए, और जो ईमानदार नहीं है वो ठीक नहीं है। पुलिस को पुलिस कौन करेगा? दूसरों की गलती तो पुलिस पकड़ लेती है, और पुलिस की गलती कौन पकड़ेगा? तो इस तरह के प्रश्न हमेशा, चूँकि फिजिक्स का विद्यार्थी रहता है, जिसमें प्रश्न करने की आदत हो गई, तो इस तरह के प्रश्न अनेकों हैं जिसका उत्तर मैंने ढूंढने की कोशिश की है इस किताब में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अंतिम आंसर है, अंतिम आंसर विश्व में कभी नहीं आता है, विज्ञान को भी नहीं मिलता है। तो पढ़ करके आदमी समझ सकता है कि कहाँ तक आपके मन से मेल खाता है या उससे आपकी सोच विपरीत है। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है प्लेजेंट वैली स्कूल के द्वारा। मेरी शुभकामना है सभी बच्चों को, आज क्रिसमस के भी ओकेजन पर
सबों ने अच्छा कार्यक्रम उपस्थित किया है, वे आगे बढ़ें, एक सोच अपनी डेवलप करें विज्ञान की, गणित की, और ज़िंदगी को पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, समस्याओं का हल अपने आप ढूंढने की कोशिश करें। धन्यवाद। बच्चों को बढ़ाता है, देखिए कोई भी स्कूल हो, सारे स्कूलों में खास करके हमारा जो स्कूल है, लगभग 16 यूनिट है हमारी बिहार में, हम लोग प्रयास करते हैं कि चूँकि बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएँ छिपी होती है, उनमें से एक प्रतिभा है कि इनोवेशन, और इनोवेशन को निकालने के लिए जो बच्चे कल साइंटिस्ट बनेंगे और अपना योगदान देंगे इस भारतवर्ष के उत्थान में, उसके लिए एक बीजारोपण का कार्य करेगा यह साइंस एक्सिबिशन।